नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जब भी अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अब अपने रोजगार से कुछ दिनों के लिए हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस उन्हें तंग करेगी, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन्हें इधर उधर किया जाएगा। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है, दरअसल उनके दुकानों के लिए बिहार सरकार की तरफ से उपाय किया जा रहा है और एक अच्छा तोहफा उन्हें मिलने जा रहा है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद राज्य के सभी जिलों में वेंडिंग जोन के निर्माण की योजना को जमीन पर उतारने में तेजी आएगी। इसको लेकर नगर विकास विभाग विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर ऐसी जमीनों को चिन्हित करेगा जहां वेंडिंग जोन का निर्माण कराकर फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी रूप से रोजगार करने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। राज्य के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा में यह घोषणा की। वे पूर्णिया के भाजपा विधायक विजय कुमार खेमका के एक तारांकित सवाल का जवाब दे रहे थे। खेमका ने पूर्णिया में 11 वेंडिंग जोन के अब तक निर्माण नहीं शुरू होने का मामला उठाया था। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथ से NOC नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं कराया जा सका है। ऐसे कई मामले दूसरे जिलों में भी है जहां अनापत्ति नहीं मिलने से वेंडिंग जोन नहीं बन पा रहे हैं। एक मर्तबा इसको लेकर नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिवों के साथ बैठक भी हो चुकी है। वेंडिंग जोन बनाने को लेकर राज्य सरकार गंभीर भी। केंद्र की यह महत्वाकांक्षी योजना है, वेंडिंग जोन पूरे राज्य में बनना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र के बाद नगर विकास विभाग विभिन्न विभागों के साथ ऐसी खाली जमीनों को लेकर बैठक करेगा जहां वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है। जिला परिषद की जमीन हो या फिर भूमि राजस्व समेत अन्य महकमों की, जिलावार इसकी जानकारी ली जा रही है। हम गंभीरता पूर्वक इस योजना में तेजी लाएंगे। राज्य सरकार वेंडिंग जोन बनाकर फुटपाथी दुकानदारों को बसाना चाहती है। इससे अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाएगा और इन दुकानदारों को एक स्थायी रोजगार भी मिल जाएगा। तो बिहार में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए ये खबर बेहद अच्छी है। फुटपाथ पर दुकान लगाने की वजह से उन्हें तरह तरह की परेशानियां भी होती है। कभी उन्हें पीछे के बड़े दुकानदारों के द्वारा हटा दिया जाता है ये कहकर कि आप हमारी दुकान के सामने दुकान नहीं लगा सकते। कभी जब अतिक्रमण हटाने की बात होती है तब भी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप पटना का ही मामला देख लीजिए, जब भी अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो बिल्कुल एक युद्ध सा छिड़ जाता है। दुकानदार एक तरफ हो जाते हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि मारपीट और आगजनी वाली स्थिति भी पैदा हो जाती है। इन सभी चीजों का निपटारा करने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। हायर अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक जो है वो मामला साफ नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक राज्य के अलग अलग वेंडिंग जोन नहीं बनाए जा सके हैं। लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आने वाले समय में बैठक इस पर जरूर होगी और बिहार भर में जहां जहां भी सरकार की खाली जमीनें हैं वहां पर वेंडिंग जोन का निर्माण कराने को लेकर प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। इसे जल्द से जल्द कराकर फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी किया जाएगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।